हम इस वक्त पंचरत्न बिहार नानकवाड़ बरसात गुजरात में है। यहाँ पर हमारे साथ में हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। सर कुछ हमें जानकारी दीजिए, दूसरी बार हम आपके बरसात गुजरात बुद्ध बिहार पे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए फिर आने का मौका मिला और आप लोग का प्यार खींच लाया। कुछ जानकारी ये लेना चाहता हूँ कि आने वाला ये अप्रैल महीना है, अप्रैल महीना हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हर महीने महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ खास है 14 अप्रैल आपका, इसके बारे में आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे 14 अप्रैल मनाएं, किस तरह से? आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बलसर में 14 अप्रैल का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती तो मनाते हैं, इसी दौरान ये ज्योतिराव फुले साहब और शिवाजी महाराज का भी जन्म जयंती आती है। इसी तरह हम लोग भी संयुक्त करना चाहते हैं इस बार। अच्छा, संयुक्त सभी, हाँ सभी का एक साथ, हाँ एक ही साथ 14 अप्रैल को हाँ करेंगे। और हमारा एक नया यूनिट डुंगरी स्टार्ट हुआ है अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज सुधार समिति, डुंगरी यूनिट है, वो लोग ओबीसी लोग हैं ना, काफ़ी उत्साही लोग हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि रैली के रूप में हम लोग यहाँ पे आएंगे। अच्छा, यहाँ से रैली निकाल, वहाँ से डुंगरी से रैली निकलेंगी। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ पे समापन होगा शाम को 6 बजे, यहाँ आएंगे और उसके बाद अपना यहाँ पे 14 अप्रैल का जन्मोत्सव कार्यक्रम होगा। और कोई बाहर से मेहमान? वो तो जो कमेटी वो नक्की करेगी, उसी को बुला लेंगे, ऐसा कोई नेता लोगों को नहीं बुला दे जो अच्छा समाज के प्रति जो जागरूक है, समाज को दिशा देने के लिए जो सक्षम है उसी को हम लोग बुलाते हैं, ऐसा कोई किसी का पैम्फलेट वगैरह नाम नहीं छपाते और ऐसे ही हम लोग करते। हम आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था तो हमें अच्छा लगा, इसलिए दोबारा मौका मिला आप लोग के बीच में, दो शब्द आप भी बोलिए हमारे चैनल के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा साहब के जयंती पर, और भी तमाम यहाँ त्यौहार अभी धीरे धीरे पूर्णिमा भी आने वाला है, तो इस पर आप बोलिए सर। नवोदय जय। सर्वप्रथम आपका हम स्वागत करते हैं। हमारे जो संस्था है अखिल भारतीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज सुधार समिति, जो प्रांतीय शाखा गुजरात वलसाड़ में है, जिसके माध्यम से पूरे साल के हमारे प्रोग्राम फिक्स है। जनवरी के अंदर बौद्ध ज्ञान संवर्धन परीक्षा होता है, फरवरी में एनुअली हिसाब किताब होता है, जो कि एक एक रुपये का हिसाब आज तक, मतलब 96 से लेकर आज तक एक एक रुपये का हिसाब रखा है, जो कि हमारे और उसमें सबसे ज़्यादा जिनको धन्यवाद देने लायक है वो तो हमारे भालेराव जी, जो रात को 12-12 एक एक बजे तक बैठ कर इस संस्था का हिस्सा। आइए सर, आगे आ जाइए सर। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, तो उसके बाद में एनुअल मीटिंग होने के बाद में हमारे अप्रैल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती आता है, जिसमें अलग अलग तरीके से हम लोग हर साल जैसा कभी जुलूस निकाला जाता है, इस साल भी ऐसे ही है, दूरी से काफ़ी लोग आने वाले हैं और एक बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला है, क्योंकि तो आपको पता चलेगा कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग रहेंगे और उनकी रैली के माध्यम से यहाँ पर लगभग 4-5 बजे यहाँ पर प्रस्थान आएगी और यहाँ पर 6 बजे से 9 बजे तक का यहाँ पर का जो प्रोग्राम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का महोत्सव मनाया जाएगा और अब अंत में भोजन दान की व्यवस्था की गई है। इस माध्यम से हम लोग सभी को आमंत्रित भी करते हैं और उसके बाद में बुद्ध पूर्णिमा आती है जो मई में, बुद्ध पूर्णिमा को भी प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध ने के बताए हुए मार्ग को अनुसरने का, वो धारण करने का लोगों को सिखाया जाता है, जो विपश्यना है वो यहाँ पर हर रोज़ सुबह में 6:30 बजे डेली आते हैं, यहाँ पे आना पान दिया जाता है सुबह 6:30 बजे और जो पुराने साधक हैं उनको लिए विपश्यना दी जाती है, तो ये ऐसा कार्यक्रम है। वो 6:30 बजे वंदना, शाम को 6:30 बजे वंदना, आज तक 2009 से लेकर आज तक कभी इसका खंडन खंडित नहीं हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक आदमी भी रहे लेकिन यहाँ पे
वंदना होगी या फिर कोई खंडित नहीं हुआ है, निरंतरता इस संस्था का एक भाग है। उसके बाद में अक्टूबर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जो कि 14 अक्टूबर, जिसे अशोक विजयादशमी के माध्यम से बाबा साहब ने जो नागपुर में दीक्षा ली उसके मुताबिक यहाँ पर दम्म दीक्षा का कार्यक्रम होता है, और इसमें 14 अक्टूबर में बहुत भोजन के साथ में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाता है, और अंत में दिसंबर में 6 दिसंबर को डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस तरह इस संस्था की पूरे साल की कार्रवाई चलती रहती है। तो इस संस्था ने 96 से लेकर आज तक का एक एक मतलब सभी लोग यहाँ पे धन्यवाद के पात्र हैं, और हम यहाँ पे इस संस्था के माध्यम से तो विरोधी को भी बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि विरोधी विरोध पक्ष ही नहीं रहेगा, हमको समझाने वाला ही नहीं रहेगा, तो हम मनमानी करेंगे। तो हर संस्था में मैं ये चाहता हूँ कि विरोध पक्ष होना चाहिए जो कि हमारे ऊपर जो सवाल उठाए, अगर सवाल उठाएंगे तो हम हमारे हिसाब किताब में ठीक रहेंगे, हमारी जो कुछ गलतियाँ हैं वो हम दुरुस्त करेंगे। इस तरह से हमारी संस्था का निरंतरता चलती है। हमारी संस्था ये 3 बेस पे है, निरंतरता, अनुशासन और ईमानदारी, इन 3 नियमों के बेस के ऊपर ये हमारी संस्था चलती है।